सुस्वागतम दोस्तों, आज की नई वीडियो में पुराना ट्रिमर था जो कि कबाड़े में से मुझे मिला है। इसको मैंने पूरी तरह से खराब कर दिया और पटक दिया। फिर मैंने सोचा इसे मैं सुधारता हूँ। इसमें से सेल मिले जिसकी चार्जिंग टाइम मात्र 8 घंटे है, सिर्फ 8 घंटे में पूरा चार्ज हो जाता है। वो चलता है 15 मिनट। और ये खराब मोटर है, ये हमारा चार्जिंग मॉड्यूल जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करेगा। और ये बैटरी है जो कि चार्ज होने वाली है, ये है 3.7 वोल्ट की बैटरी। और ये है TP4057 चार्जिंग मॉड्यूल। पुरानी बैटरी जो है वो 1.2 वोल्ट्स की है। तो याद रखें, दोनों बैटरी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। और ये हमारी नई मोटर है जो कि 6 वोल्ट ऑपरेट होगी। और इसकी हम पुरानी मोटर की जगह इसे यूज करेंगे। साइड बाय साइड कंपेरिजन देख लीजिए, थोड़ा सा चेंज है साइज में दोनों के। ताकि फिटिंग में थोड़ा सा आपको वहाँ पर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बॉडी में, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। ये शाफ्ट में सेम है तो ये कनेक्टर आराम से लग जाएगा। तो इसकी बॉडी की तरफ ले चलता हूँ। तो बॉडी आप देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तो वो आप खुद से कर सकते हैं और मैंने पहले से कर लिया है। तो मैं आपको अब डायरेक्ट फिटिंग करके बता देता हूँ। ये है हमारा टाइप सी सॉकेट जो कि हम लगाने वाले हैं अभी। और ये जो मॉड्यूल में टाइप सी सॉकेट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये जो सॉकेट है ये थोड़ी स्पेस लेगा, तो हमें इसे निकालना है। और हम इस वाले टाइप सी सॉकेट का यूज करने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसे कहाँ पर लगाना है। इसे सबसे बॉटम में हमारे ट्रिमर के लगाएंगे, जो कि हमें कटआउट करके लगाना पड़ेगा। वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको मोटर के कनेक्शन बताता हूँ। तो मोटर का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। जैसे आप एक मोटर को स्विच से चलाते हैं, उसी तरह से यहाँ कनेक्शन होंगे। जो बैटरी का नेगेटिव है वो यहाँ है और बैटरी का पॉजिटिव ऊपर है। और बीच में एक जो पॉइंट है ये स्विच का है, यहाँ पर स्विच आता है। तो बैटरी का पॉजिटिव आपको जो ओपन स्विच है वहाँ पर कनेक्ट करना है यहाँ। और हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसी के साथ मोटर का नेगेटिव भी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर लेते हैं। सेल लगाकर एक बार चेक कर लेंगे कनेक्शन सही है या नहीं। और स्विच नहीं होने के कारण अभी हम कटर से शॉर्ट कर देखेंगे। तो ये देखिए अच्छे से काम कर रहा है। आगे चलते टाइप सी सॉकेट की तरफ। टाइप सी सॉकेट का कटआउट मैंने बना लिया था और यहाँ पर रखा है। अब हम इसे फेविक्विक से लगा लेंगे। फेविक्विक से लगाने के बाद मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ। जो रेड वायर है हमारा ये पॉजिटिव है, और जो ब्लैक वायर है वो हमारा नेगेटिव को शो करता है। और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। तो सर्किट में आपको दिख रहा होगा इन प्लस इन माइनस दिख रहा है, वहां पर सीधे कनेक्शन करना है रेड को प्लस से और ब्लैक को माइनस से। हमने कनेक्शन कर दिया है हमारे चार्जिंग सॉकेट से और मोटर के कनेक्शन हो गए। सिर्फ बैटरी का कनेक्शन बचा है। उसके पहले हम बैटरी के कनेक्शन से पहले यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे, जो कि हम इसमें यूज करने वाले अभी हॉट ग्लू का। और हॉट ग्लू ही बेस्ट है, जो कि आपको इंसुलेटिंग का काम भी अच्छे से करेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ज़्यादा यूज ना करें, सिर्फ लिमिट में यूज करें, क्योंकि हमारी अगर आप ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। हॉट ग्लू ठंडा हो गया है। बैटरी का पॉजिटिव हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से, और नेगेटिव को भी अभी कनेक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव कनेक्ट करने के बाद अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके सेल की टेस्टिंग की तरफ। सेल टेस्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि 3.7 वोल्ट का है। मैक्सिमम वोल्टेज इसका 4.2 वोल्ट्स है और अभी आपको 3.88 शो हो रहा है, जो कि अभी ये मीडियम चार्जिंग है इसमें। तो स्क्रू से मैंने पूरा ट्रिमर टाइट कर लिया है और अच्छे से फिट आ गया है। सब जगह से फिटिंग अच्छी है। एक बार सेल लगाकर इसकी मोटर टेस्ट कर लेते हैं, मोटर चल रही है या नहीं। तो ये सेल मैंने फिट कर दिया है और स्विच ऑन करते ही मोटर देखिए आपको ऑन दिखेगी। मोटर वर्किंग है अच्छे से। चार्जिंग कर लेते हैं एक बार। तो जैसे ही हम इसे लगाते हैं चार्जिंग में, आपको रेड लाइट शो होगी जो कि शो करती है चार्जिंग हो रही है, और ब्लू लाइट शो करती है कि चार्ज फुल हो गया है। तो अगर आपका सेल खराब होता है तो आप इसे इजीली रिमूव कर सकते हैं और दूसरा सेल लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका ऊपर का पार्ट भी लगा लेता हूँ जिससे हम ट्रिमिंग करते हैं। तो इसे लगाने के बाद मैं इसे चला के बता देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं स्विच ऑन करने पर ये अच्छे से चलने लगा है। सिर्फ 1 घंटे चार्ज करने में ये कम से कम भी 3 से 4 घंटे का बैकअप देगा। और यही था आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर आपको जो 2 वीडियो देख रही है इनमें से जो आपको पसंद आ रही है उसे जाकर अभी देखो, और बीच में सब्सक्राइब करो बीच में दबाकर।